और मेरा विश्वास है कि जो ऑनलाइन इस मीटिंग को देख रहे हैं, इस पार्ट को हम अलग से काट कर डालेंगे ताकि जितने और सेविक लोग हैं, जन जितने भी अलग अलग संगति में जाते हैं, जो लोग सुनो, ध्यान से सुनो मेरी, तो क्या है कि जब हम इसे अलग से काट कर इस वीडियो को हम डाल देंगे YouTube पर, ताकि और लोग भी सुने, जो चर्च में जाते हैं, जो सिविक लोग भी हैं, वो भी बोल सकते हैं कि ये चीज करो, क्योंकि आने वाले समय में जो न्यू जनरेशन है, खास करके यूथ बच्चे, उनको आजकल शैतान बहुत ज्यादा यूज कर रहा है, इस्तेमाल कर रहा है, पता है ना, बहुत ज्यादा। तो जैसे आप सबको पता, हमने यूथ मीटिंग शुरू की थी, यूथ मीटिंग बच्चों की, बोले कहें, और उस मीटिंग में हमने कहा था कि 10 साल से लेकर ऊपर वाले 15, 20, 21, 22, 23, 24 जो अनमैरिड तक बच्चे, चाहे वो 23 साल के 24 के क्यों नहीं होगी, अनमैरिड तक बच्चे सब इस मीटिंग में आना, परमेश्वर आपको बड़ा बढ़ाएगा और ब्लेस करेगा। बोलो क्या करेगा। पर कुछ लोगों ने इसराइलियों जैसे हल्के में लिया, क्या लिया, हल्के में लिया, हल्के में। कितने लोग जिनके पास बेबी नहीं है, बच्चा नहीं है, अपने पेट पर हाथ रख के ये आज परमेश्वर से ऐसे वादा करो, जो ऑनलाइन भी हैं, जिसके पास बेबी नहीं है, जब बच्चे उनके आज्ञाकार नहीं, उनके कहने में नहीं है, नशा करते हैं किसी भी प्रकार की, अगर आप चाहते हो जो बेबी है नहीं है, जब आपके बच्चा है पर आज्ञाकारी नहीं है, विश्वास नहीं हो आपके बच्चे करते, जब नशे में है, जब आपके कहने में नहीं, आज विश्वास कर लो कि परमेश्वर जो चीज खुदावन तेरे दास ने के मन में तूने डाली, ये यूथ मीटिंग मैं भी अपने बच्चे को भेज चुकी हूं, जो मेरा बच्चा विश्वास नहीं करता वो विश्वास कर चुका है, जो नशे करता वो नशे से छुटकारा आप उसे दे चुके हो, और वो भी तेरी जीवित हजूरी में यूथ मीटिंग में वो आ चुका है यीशु मसीह के नाम से। आमेन, हालेलुया। सुनो, जो बच्चे वाले हैं, क्या है, जो बच्चे वाले हैं, बच्चे वाले हैं। बोलो क्या है, जो बच्चे वाले हैं, बच्चे वाले। अब उन्हें समझ आएगा कि सच में परमेश्वर आपसे प्यार करता है। मैंने पहले भी कहा कि कुछ भी हम बुद्धि से नहीं करते, और जो ये चीज अभी हम करने वाले हैं, आज आप देखोगे, और ये भी कल पवित्र आत्मा ने एकदम से, जब मैं यूथ मीटिंग के लिए कल मैं आया तो एकदम से बैठे बैठे परमेश्वर ने मेरे मन में डाला कि ये ऐसे ऐसी चीज करो बच्चों के लिए। ये कल ही हमने, जो अभी आप देखोगे क्या चीज है जो हम करने वाले हैं, ठीक है, तो वो सारे बच्चे आ जाओ, क्योंकि सुनो, बच्चे आ जाओ जो भी हैं, नहीं इनको बाद में देखेंगे, सारे बच्चे आ जाओ जल्दी से, टाइम कम है आज, जल्दी करो जल्दी। जैसे जैसे मैंने कहा था वैसे वैसे इन्हें खड़ा कर दो, ये सारे यहां से लेकर पूरे आगे तक, जल्दी करो जल्दी। वर्शिप में भी जो बच्चे थे जिन्होंने तैयारी की है वो भी आ सकते हैं। अरे जल्दी करो भाई, जल्दी। और मेरा विश्वास है कि जो ऑनलाइन इस मीटिंग को देख रहे हैं, इस पार्ट को हम अलग से काट कर डालेंगे ताकि जितने और सेविक लोग हैं, जन जितने भी अलग अलग संगति में जाते हैं, जो लोग सुनो, ध्यान से सुनो मेरी, तो क्या है कि जब हम इसे अलग से काट कर इस वीडियो को हम डाल देंगे YouTube पर, ताकि और लोग भी सुने, जो चर्च में जाते हैं, जो सेविक लोग भी हैं, वो भी बोल सकते हैं कि ये चीज करो, क्योंकि आने वाले समय में
जो न्यू जनरेशन है, खास करके यूथ बच्चे, उनको आजकल शैतान बहुत ज्यादा यूज कर रहा है, इस्तेमाल कर रहा है, पता है ना, बहुत ज्यादा। अरे मैंने 15, 16 साल के लड़कियां लड़के को लव मैरिज करते देखा, जबकि हमारे संविधान, हमारे देश के संविधान के कानून से भी बाहर है। लड़की की उम्र 16 साल है, लड़का भी 15 साल है, या लड़का 16 साल का, लड़की भी 15 साल है, और वो लव मैरिज कर रही है। देख लो भाई क्या कर रहे हैं, वो लव मैरिज अपनी उम्र से भी वो कम में अभी तो शादी कर रहे हैं, लव मैरिज। देख लो पाप कैसे इस्तेमाल कर रहा है। मैंने 12 साल के बच्चों की भी शादी होते हुए देखा, 12-13 साल की। इतनी बुरी तरह से ये पाप, ये शैतान लोगों को इस्तेमाल कर रहा है। पर कुछ लोग जो माता पिता वो समझते ही नहीं है, उन्हें लगता नहीं बस ऐसे ही है, क्या पता कब आपके बच्चों को, कल को शैतान। मैं इसलिए नहीं बोल रहा, परमेश्वर का वचन कहता है कि चौकस रहो, शैतान सी के समान फाड़ने के लिए क्या है, तैयार है, पता नहीं वो कब कुछ कर से कर पाए, समझ आ रही है। तो इसलिए ध्यान से इन चीजों में रहो, अगर आपके भी बच्चे हैं तो उन्हें लेकर आओ भाई, क्या हो, लेकर आओ, लेकर आओ, क्योंकि जहां पे जो चीजें ये सीख रहे हैं बड़ी उत्तम है। बोलो क्या है, जो चीजें ये सीख रहे हैं ना यहाँ पे बड़ी उत्तम है, ऐसी चीजें ये सीख रहे हैं जो इस मीटिंग में भी नहीं बताता मैं, ऐसी बड़ी भेद की बातें ये सीख रहे हैं, ठीक है। तो आज हम इनसे सुनेंगे, क्योंकि मैंने, क्योंकि जरूरी है। बोलो क्या है, अगर माता पिता अनपढ़ है, आपके बच्चे स्कूल जाते हैं, अगर मान लो अगर वो अच्छे से खुदावंद के वचन को नहीं समझते तो आपको भी नहीं वो समझा पाएंगे। अगर वो सीख गए, देखो जो अनपढ़ माता पिता उनके लिए कितने फायदे की चीज है, बताओ मुझे फायदे की चीज है कि नहीं, ये नहीं है फायदे की, बोलो फायदे की है कि नहीं है। अगर आपके बच्चे वचन को सीख जाएंगे तो आपको भी वो सिखाएंगे, अगर उन्होंने सीखा फिर आपको कहां से सिखाएंगे, तो आप तो ऑलरेडी पहले से ही अनपढ़ हो, तो ये आपके फायदे की चीज थी। पर कुछ लोगों ने ये फायदे की चीज पर इतना ध्यान नहीं दिया, समझ आ रही है। पर मैंने इन्हें सबसे पहले, जैसे जो बाइबल है, बोलो क्या है, जो बाइबल है उसकी पुराने नियम की कितनी किताबें और नए नियम की कितनी पुस्तकें, इन्होंने ये सीखा है, बोलो क्या है, ये सीखा, और प्लस यीशु मसीह का जन्म के बारे, हाँ उसके शारीरिक पिता और आत्मिक पिता के बारे। तो आज इन सबके मुंह से हम सुनेंगे कि पुराने नियम की कितनी किताबें थी और नए नियम की और यीशु मसीह के जन्म के बारे, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे, वैसे तो मैंने 10 साल के बच्चों को कहा था, लाइन में लिया ना जो परफेक्ट थे पहले, उन लोगों को इधर से, ये सारे आ रहे हैं कैमरे में, पूरे आ रहे हैं बच्चे, कैमरे की सेटिंग करो नहीं तो उस साइड ले जाओ, आप जहां पर कैमरा लगाकर खड़े हो मुझे लगता नहीं है ये सारे नजर आए। ये वाली बच्ची आ रही है, ये ब्लैक सूट वाली छोटी, ये तो आपके कैमरे के नीचे है, मुझे भी दिखाओ मेरे वाली, हाँ ठीक है, अब ठीक है, ओके। तो इसका फेस नहीं आ रहा छोटी बच्ची का, जो इसने ब्लैक थोड़ा, हाँ ठीक है, तो आगे आगे, अरे कोई हेल्प करो उसकी, पकड़ो उसे, उनकी हेल्प करो, हाँ ओके राइट, ठीक है ओके। अब ऐसे आगे आगे आते जाएंगे, है ना, ठीक है। तो अभी इसकी एज कितनी है, जो सबसे पहले ये ब्लैक सूट वाली बच्ची है, कितनी एज है इसकी, 10 की होगी पूरी, हाँ 9 साल की, अभी 9 साल की, हाँ। तो मैंने कहा 10 से जो ऊपर ऊपर बच्चे हैं उनको लेंगे, पर इसकी 9 है। पर जब मैं कल आया और मैंने सुना तो ये जो 20 साल के बच्चे 22 से, उससे भी आगे थी, क्या थी, तभी सुनते हैं हम सबसे, ठीक है, ठीक है बच्चे, स्टार्ट करो। सारे मेरे वालों जैम सी दी, मैं नवे नेम जी पुस्तका
मत्ती मरकुस लूका यूहन्ना रोमिया रसूल आदि करवत पहला करंथिया दूजा करंथिया गलातियो अफिसियो फिलिपियो कलीसियो थसलुंकियो दी पहली पोथी थसलुंकियो दी दूजी पोथी पहला तिमोथियस दूजा तिमोथियस फिलेमोन इब्रानियो यकूब दी पत्री पहला पत्र दूजा पत्र पहला यूहन्ना दूजा यूहन्ना तीजा यूहन्ना यहूदा दी पत्री यूहन्ना दे प्रकाश दी पत्री राजा दूजा राजा पहला इतिहास दूजा इतिहास अजरा नहीमिया अस्तर अजूब जबूरा दी पोथी कौता उपदेश यशायाह जरमिया जरमिया दा विलाप हिजकल दानियल होशुआ योएल आमोस उपदजाह उपदजाह जकूब जुनाह मिकाह नहूम हबकू सफंजाह जई जकजा मलाकी। ओ तारीफ करो जोर से जोर से जोर से भाई। यीशु मसीह का जन्म बैदलम शहर यरूशलम देश इजराइल उन्हां दी माता जी दा नाम है गई मरियम ते शरीरिक पिता जी है गई जोसफ ते स्वर्गीय पिता है गई यहोवा परमेश्वर। ओ वेरी गुड वेरी गुड। आमेन। नेक्स्ट नेक्स्ट। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर दा सारेन मेरे वालों जैमसी दी पुराने नेम दियां पुस्तकां 39 उत्पत कूच लेविया गिनती वविस्ता सार यहोशुआ न्याओं दी पोथी रूथ पहला शामुएल दूजा शामुएल पहला राजा दूजा राजा पहला इतिहास दूजा इतिहास आजरा नहीमिया एस्तर अजूब जबूरा दी पोथी कहोता उपदेशिक दी पोथी श्रिष्ट गीत यशायाह जरमिया जरमिया दा विलाप हिजकल दानियल होशिया युआएल अमोस अब्दजाह यूनाह मिका नहूम हबकू सफंजाह जई जकरजाह मलाकी। नवे नेम दियां 27 मत्ती मरकुस लूका यूहन्ना रसूलां दे करतब रोमियो पहला करंथिया दूजा करंथिया गलतियो अफिसियो फुलपियो कुलसियो पहला थसलुकिया दूजा थसलुकिया पहला तिमोथियस दूजा तिमोथियस तीतुस फुलेमोन इब्रानियो जकूब दी पत्री पहला पत्रस दूजा पत्रस पहला यूहन्ना दूजा यूहन्ना तीजा यूहन्ना यहूदा दी पत्री यूहन्ना दे प्रकाश दी पोथी। यीशु मसीह दा जन्म बैदलम देश इजराइल शहर यूशलम उन्हां दा जन्म मरियम दे कुखों होया शरीरिक पिता यूसफ स्वर्गी पिता यहोवा परमेश्वर। तारीफ करो जोर से। पुराने नेम दियां किताबां 39 उत्पत कूच लेविया दी पोथी गिनती व्यवस्था सारे होशरा न्यायां दी रुथ शामल दी पहली पोथी शामल दूजी पोथी राजा दी पहली पोथी राजा दूजी पोथी इतिहास दी पहली पोथी इस इतिहास दी दूजी पोथी अजरा नरमियाह एस्तर अयूब जबूरा दी पोथी कहुता उपदेश गीत श्रेष्ठ गीत यरमिया दा विलाप हिजकेल दानियल होशिया योइल अमोस उपदेह यूनाह मिकाह नहूम हबकूक सफर्याह हजई यकर्याह मलाकी। नवे नेम दियां 27 किताबां मत्ती दी इंजल लुका दी इंजल यूहन्ना दी इंजल रसूला दे करतव रोमिया नूं कलीसिया नूं पहली पत्री कुलंथिया नूं दूजी पत्री गलथिया नूं अफिसिया नूं फिलिपिया नूं कलीसिया नूं थसलुकिया नूं पहली पत्री थसलुकिया नूं दूजी पत्री तिमोथियस नूं पहली पत्री तिमोथियस नूं दूजी पत्री तीतुस नूं फिलेमोन नूं ब्रानिया नूं जकूब दी पत्री पहला पत्रस दूजा पत्रस
पहला यूहन्ना, दूजा यूहन्ना, तीजा यूहन्ना, यहूद दी पत्री, पर यूहन्ना दे प्रकाश दी पत्री। यीशु मसीह दा जन्म बैतलम शहर यरूशलम देश इसराइल। उन्हां दी माता राम मरियम सी ते उन्हां दे शरीरिक पिता दा नाम यूसुफ सी ते उन्हां दे स्वर्गी पिता दा नाम यहोवा परमेश्वर सी। तारीफ करो जोर से, जोर से। सुनो, कोई भी किसी को एक बात ये रखना, कोई भी किसी को ये नहीं कहना कि अगर वो भूल रहा तो बताना नहीं, आवाज़ नहीं आनी चाहिए किसी की, हम लाइव में, ठीक है? तो कोई भी किसी को बताएगा नहीं, कोई बात नहीं, हम कोई संसारिक कंपटीशन नहीं, हम खुदावंद की महिमा के लिए कर रहे हैं, कोई बात नहीं, एकद भूल भी जाए ना तो कोई बात नहीं, ठीक है? सब शांत रहेंगे। ये सारे मेरे वाला जैम सी दी पुराने नेम दिया 39 पुस्तक उत्पुत कूच लेविया गिनती व्यवस्था साज यहोशुआ नराया दी पोथी रूथ पहला शमूएल दूजा शमूएल पहला राजा दूजा राजा पहला इतिहास दूजा इतिहास अजरा नेहमिया अस्तर कूब जबूरा दी पोथी कहोता उपदेश उपदेश दी पोथी श्रेष्ठ गीत जशाया यर्मिया यर्मिया दा विलाप हिजकियल दानियल होशुआ योएल अमोस उपदजा उपदजा युनाह मिकाह नहूम हबकूक सफंजा हजई जकरजाह मलाकी पुराने नवे नेम दिया पुस्तकता 27 मत्ती मरकुस लुका यूहन्ना रसूला कर्तव रोमियनु फर्स्ट क्रंथियो सेकंड क्रंथियो ग्लातिया अफसिया नु फिलिपिया नु कुलसिया नु पहला था सलूकिया दूजा था सलूकिया पहला ते मत्तियस दूजा ते मत्तियस तीतुस नु फिलेमोन नु एब्रानिया नु यकूब दी पत्री पत्रस दी पहली पत्री पत्रस दी दूजी पत्री यूहन्ना दी पहली पत्री यूहन्ना दी दूजी पत्री यूहन्ना दी तीजी पत्री यहूदा दी पत्री यूहन्ना दे प्रकाश दी पोथी यीशु मसीह दा जन्म बैतलहम च होया शहर यरूशलम देश इजराइल मां मरियम दे कुखों होया संसारिक पिता यूसुफ स्वर्गीय पिता यहोवा परमेश्वर। तारीफ करो जोर से, जोर से। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट, जल्दी करो जल्दी। मेरे वल्लों सारे जय मसीह दी पुराने नियम दिया पुस्तका 39 उत्पत कूच लेविया दी पोथी गिनती व्यवस्था सार यहोशुआ न्याय दी पोथी रूथ पहला शमूएल दूजा शमूएल पहला राजा पहला इतिहास दूजा इतिहास अजरा नहमिया एस्तर अयूब जबूरा दी पोथी कहाता उपदेशक दी पोथी श्रेष्ठ गीत यशाया यर्मिया यर्मिया दा विरलाप हिजकियल दानियल होशिया योएल अमोस ओबदिया यूनाह मिका नहूम हबकूक सफनिया हजई यकरिया मलाकी नवे नियम दिया पुस्तकां 27 मत्ती मरकुस लूका यूहन्ना रसूलां दे करतब रोमिया पहला करंथिया दूजा करंथिया गलातिया अफिसिया फिलपिया कुलसिया पहला तसनिकिया दूजा तसनिकिया पहला तिमोथियस दूजा तिमोथियस तीतस फिलेमोन इब्रानिया यकूब दी पत्री पहला पत्रस दूजा पत्रस पहला यूहन्ना दूजा यूहन्ना तीजा यूहन्ना यहूदा दी पत्री यूहन्ना दे प्रकाश दी पोथी यीशु मसीह दा जन्म पिंड बैतलहम शहर यरूशलम देश इजराइल विच माता मरियम दी कुखों होया शरीरक पिता यूसुफ अते स्वर्गीय पिता यहोवा परमेश्वर आमीन। तारीफ करो जोर से, जोर से। मेरे वालों सारियां नूं जय मसीह की पुराने नियम दियां किताबां 39 उत्पत कूच लेविया दी पोथी गिनती व्यवस्था सार यहोशु न्याय दी पोथी रूथ पहला शमूएल दूजा शमूएल पहला राजा दूजा राजा पहला इतिहास दूजा इतिहास अजरिया नहमिया एस्तर अयूब जबूरा दी पोथी कहौता उपदेश दी पोथी श्रष्ट गीत जशाया जर्मिया दा विरलाप
हिचकेल दानियल होशू योएल योएल अमोस उपदेहा युनाह मिकाह हजही सफनियाह जकरजाह मलाकी नवे नियम दिया किताबा स्थाई मत्ती मरकुस चलो कोई बात मत्ती मरकुस लुका यहूना रसूला ने कहा तब रोमियो पहला क्रांतियो दूजा क्रांतियो ग्लातियो फीसियो फिल्पियो कुलसियो पहला थसलुकिया दूजा थसलुकिया पहला तमोतियस दूजा तमोतियस तीतस नू फिमोन नू इब्रानिया नू जकूब दी पत्री पहला पत्रस दूजा पत्रस पहला यहूना दूजा यहूना तीजा यहूना यहूदा दी पत्री यहूदा दी पत्री यहूना दे प्रकाश दी पोथी परमेश्वर का जन्म होया बैतलम च पिंड का नाम यरूशलम देश का नाम इजराइल माता का नाम मरियम शरीरिक पिता का नाम यूसुफ स्वर्गीय पिता का यहोवा परमेश्वर ओके कुछ चीज़ें जो पुराने नियम की इसने दो तीन बुक छोड़ दी है पर फिर भी अच्छा है इसे हाँ ठीक है इसको साइड में रखना हाँ ठीक है बताओ सारे मेरे वालों जैम सी मैं तुहानू सुनाऊंगी पुराने नेम दियां 39 पुस्तक उत्पत कूच लेविया दी पोती गिनती वस्तासार योशुआ ने आया दी पोती रूत पहला शामुल पहला राजा दूजा राजा पहला इतिहास दूजा इतिहास अजरा नहीमिया अस्तर अजूब जबूरा दी पोती कौता उपदेशक दी पोती श्रेष्ठ की यशाया यर्मिया यर्मिया दा विलाप हिजकियल दानियल होशा यूरेल अमाउस उपदिया जुनाह मिकाह हबकूक सफरिया जकरिया हिजकियल जकरिया मिलाकी ते नवे नेम दियां 27 मत्ती दी अंजील मरकुस दी अंजील यूहन्ना दी अंजील रसूलां दे करता रोमिया पहला क्रांतिया दूजा क्रांतिया गलातिया अफीसिया फिलिपिया कलीसिया पहला तसलुकिया दूजा तसलुकिया पहला तिमोथियस दूजा तिमोथियस तीतियस नू फिलेमोन नू इब्रानिया नू पत्रस दी पहली पति पत्रस दी दूजी पति यूहन्ना दी पहली पति यूहन्ना दी दूजी पति यूहन्ना दी तीजी पति यूहदा दी पत्री यूहन्ना दे प्रकाश दी पोथी यीशु मसीह दा जन्म बैतलहम विच होया शहर यरूशलम देश इजराइल यीशु मसीह मरियम दी कुखो पैदा होए ते शरीक पिता उहनां दे यूसुफ सी स्वर्गीय पिता ने यहोवा परमेश्वर सी ओके तारीफ करो तो अभी वो जो कंप्लीट है वो हो गए सारे जो कंप्लीट वाले थे है ना ठीक है ये इसको भी दे दो हां वॉइस भी चेक करें दे पापा जी नूर वॉइस कंप्लीट जो कंप्लीट जी हां ठीक है हां ठीक है आ जाओ वॉइस में ये यूथ में भी देखो जो बॉय बच्चे हैं उनकी गिनती कम है सेम संगति में भी लेडीज की गिनती ज्यादा है और भाइयों की ऐसा क्यों होता है पता क्योंकि ये बुद्धि लगाते हैं लोग मैंने चल तू चले जा कोई बात नहीं मैं काम पर जाता हूँ हाँ ये खुदावंद का प्रेम अगर सब लोग समझ गए बोलो क्या है अगर सब लोग समझ गए अरे आप स्वर्ग के अधिकारी तो हो पर पृथ्वी पर आपको बहुत ज्यादा परमेश्वर ब्लेस करेगा ऊंचा करेगा समझ आ रही है क्या करेगा बहुत करेगा और आने वाले दिनों में अभी तो हम अपनी इस मीटिंग में ही इनको इनका ये टेस्ट ले रहे हैं ना पर आने वाले दिनों में हम अलग से यूथ मीटिंग भी लाइव भी करेंगे क्या करेंगे आने वाले दिनों में अलग से हम यूथ मीटिंग अलग से लाइव मीटिंग करेंगे क्योंकि आज तो संगति का समय है तो इसको इसलिए इन बच्चों को आपके सामने लेकर आया गया कि ताकि जो लोग इस चीज को हल्के में ले रहे हैं वो भी समझे क्या समझे क्योंकि पाप का जो वायरस है इस दुनिया में बड़े जबरदस्त तरीके से काम कर रहा है क्या कर रहा है फैल भी रहा है और काम भी कर रहा है जब से ये चीज आई है बोलो क्या है जब से ये आया है जी
क्या है ये स्मार्टफोन जब से आए तब से लोगों को उसने क्या बना दिया, क्या बना दिया लोगों को, ये फायदे की चीज भी है पर शैतान इसका फायदा दूसरी चीज में लोगों को बहुत ज्यादा फंसाकर क्या कर रहा है, समझ रहे, क्योंकि इसमें बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो कहें तो शर्म आएगी, बोलो क्या है। इसीलिए ये आपके बच्चों को तालीम ये शिक्षा दी जाती है कि कल को इन चीजों में आपके बच्चे कभी भी ना फंसे, समझ आ रही है, कभी भी बच्चे इन चीजों में आपके फंसे ना। अगर आपके बच्चे छोटे हैं हाँ तो ठीक है, अभी अगर 10 साल से ऊपर है उनकी एज तो उन्हें इस मीटिंग में भेजो भाई, कोई बात नहीं है। ये इसीलिए ये मीटिंग हमने महीने बाद रखी और सेकंड सैटरडे रखी है, क्योंकि सेकंड सैटरडे सब बच्चों को क्या होती है, छुट्टी होती है, क्या होती है, सेकंड सैटरडे दूसरे शनिवार सब बच्चों को छुट्टी होती है, इसलिए हमने ये महीने के सेकंड सैटरडे शनिवार को ये मीटिंग रखते हैं हम महीने बाद, ऐसे नहीं हफ्ते बाद, ये महीने बाद की है। तो महीने बाद तो आ सकते हो ना अपने बच्चे के, बच्चों के भले के लिए, उनकी उन्नति के लिए आ सकते कि नहीं आ सकते, बोलो क्या है, ये आपके फायदे के लिए, ठीक है, बोलो जल्दी बोलिए। हालेलुया, मेरे वालों सारे जय मसीह दी। पुराने नेम दिया 39 पुस्तक मैं सारे सुनाने लगा। उत्पत्त कूच लेवियों दी पोथी गिनतियां व्यवस्था सार योशा इनायत दी पोथी रूथ पहला शमूएल दूजा शमूएल पहला राजा दूजा राजा इतिहास दी पहली पोथी इतिहास दी दूजी पोथी एज़रा नहीमया अस्तर अस्तर अयूब अस्तर अयूब यूबूरां दी पोथी कोहोता उपदेशक दी पोथी श्रेष्ठ गीत यहोशा यहोशा यर्मिया यर्मिया दा विरलाप हिजकेल दानियल होशा होशा जैमिल जोयल अमोज उपद्याह या युनाह मकाह नहुम हम थोड़ा सा दे देते हैं हाहे पे हैं जाई यकरिया मलाकी वेरी गुड वेरी गुड। नवे नेम दिया पुस्तक 27 मत्ती मरकस लूका यूहन्ना यूहन्ना रसूलां दे करदे रोमिया पहला क्रोंथियस दूजा क्रोंथियस गलातियां अफीसियां फिलिपियां क्लीसियां पहला थलूसियक दूजा थलूसियक पहला तिमोथियस दूजा तिमोथियस तूतस फिलमोन इब्रानिया यूहन्ना दी यकूब दी पत्री पत्रस दी पहली पत्री पत्रस दी दूजी पत्री यूहन्ना दी पहली पत्री यूहन्ना दी दूजी पत्री यूहन्ना दी तीजी पत्री यहूदा दी पत्री यूहन्ना दे प्रकाश दी पोथी। वेरी गुड वेरी गुड। जन्म जन्म यीशु मसीह दा जन्म बैथलहम च होया शहर यरूशलम देश इजराइल मां मरियम दी कुखों होया शरीरिक पिता यूसुफ ते स्वर्गीय पिता
यहोवा परमेश्वर। तारीफ करो जोर से जोर से जोर से जोर से जोर से जोर से। अब हो गए तो अभी तीन बच्चे और रह गए। हाँ तो अभी अभी तो ऐसे ही देखेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। हाँ तो अभी कुछ एक दो बच्चे और हैं, फिर हम पर्सनल किसी दिन ये बच्चों की मीटिंग करेंगे। हाँ तो ठीक है, एक दो तीन बचाओ, फिर एक दो छोटे बच्चों से भी, ये भी बोलेगी जी। हाँ जी बाबा जी, पांच याद किए इसने। अच्छा इससे पहले चलो बुलाओ फिर। सर चलो इससे पहले ये देखो, ये तो चलो कोई बात नहीं है, क्योंकि ये संसार का कोई कंपटीशन नहीं है। हाँ ये तो खुदावन की महिमा के लिए है ना सब कुछ, ठीक है। हाँ मत्ती मरकुस यहून लोका यहूना परमेश्वर प्रेरितों का। तू पंजाबी में बोल दे प्रेरितों का। अच्छा ठीक है, आगे 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 भी है पापा जी। पांच ही पांच प्रेरितों मतलब रसूलों दे करता। हाँ तो अगर आप अभी से देखो, अभी से, क्योंकि मैंने तो 10 साल के बच्चों से कहा था, अभी से आप इस तरीके से जैसे आप अपने बच्चों को सिखाते हो ए फॉर एप्पल सिखाते हो ना, सिखाते हो ना, तो अभी से वो संसार की एजुकेशन के साथ साथ जो स्वर्गीय एजुकेशन है, जो रियल लाइफ की एजुकेशन है, वो बहुत जरूरी है। अगर ये एजुकेशन हमारे पास है तो संसार की एजुकेशन का तब भी हमें फायदा है, नहीं तो उसका फायदा नहीं, ठीक है। इसलिए ये बहुत जरूरी है आपके बच्चों के लिए। बोलो क्या है, ये बहुत जरूरी है। तारीफ करो जोर से जोर से, ठीक है। हाँ बताओ एक दो, कौन बताएगा अभी, ठीक है। हाँ हालेलुया, सपना नु मेरे वालों जैम सी दी, जिन्हें भी लोग ऑनलाइन मीटिंग देख रहे हैं उन्होंने भी मेरी ओर से जैम सी दी, पापा जी ने भी जैम सी दी, और परमेश्वर का धन्यवाद अज के दिन के लिए, अज के समय के लिए। तो पुराने नियम का पुस्तका 39, नए नियम का पुस्तका 27, कलीसिया बाइबल दे विच टोटल पुस्तकां 66 पुस्तकां ने, 66 पुस्तकां। नए नियम दे पुस्तकां मत्ती दी अंजील, मरकुस दी अंजील, लूका दी अंजील, यूहन्ना दी अंजील, रसूलां दे करतब रोमियां नू, पहला करंथिया, दूजा करंथिया, गलातिया, अफसिया, फिलिपिया, कलूसिया, पहला तसलुनकिया, दूजा तसलुनकिया, पहला तिमोथियुस, दूजा तिमोथियुस, तीतोस, फिलेमोन, इब्रानिया, याकूब दी पत्री, पहला पत्रस, दूजा पत्रस, पहला यूहन्ना, दूजा यूहन्ना, तीजा यूहन्ना, यहूदा दी पत्री, यूहन्ना दे प्रकाश दी पोथी। पुराने नियम दे पुस्तका उत्पत, कूच, लेविया दी पोथी, गिनती, भविष्यासार, यहोशुआ, न्यायां दी पोथी, रूथ, पहला शामल, दूजा शामल, पहला राजा, दूजा राजा, पहला इतिहास, दूजा इतिहास, अजरा, नहेमिया, एस्तर, अयूब, जबूरा दी पोथी, कहोता, उपदेशक दी पोथी, श्रेष्ठ गीत, जशाया, जिरमिया, जिरमिया दा विलाप, हिजकेल, दानियल, हिजकेल, दानियल, होशिया, जोएल, अमोस, ओबज्या, जुना, मिका, नहूम, हबकूक, सफनजा, हजई, जकरिया, मलाकी। प्रभु यीशु मसीह दा जन्म बैतलम दे विच होया, शहर यरूशलम, देश इजराइल, ते मां मरियम दी कुखो प्रभु यीशु मसीह दा जन्म होया। उन्हां दे स्वर्गीय पिता यहोवा परमेश्वर, उन्हां दे शरीरक पिता यूसुफ सी। तारीफ करो जोर से जोर से जोर। तो ठीक है, छोटे जो छोटे वाले इसे 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 ये वाले, हाँ छोटे वाले भी, क्योंकि ये इसकी कितनी एज है सबसे पहले बताऊं, 9 साल। तो अभी ये भी जो मैंने अनाउंस किया था ये भी 1 साल कम है। पहले मैंने 12 से कहा था, फिर बच्चे ज्यादा छोटे वाले आ गए हमारे पास, मैंने कहा 12 से ऊपर वाले बच्चे हम रखेंगे, पर 10 वाले बच्चे आ गए। क्या आ गए? 10 11 साल वाले आ गए, 9 वाले भी देखो आ गए। तो मैंने कहा ठीक है भाई, अगर उनकी चाहत है तो अभी तो
एस्तर कितने कितने साल की? अभी तो पौने दो पौने चार साल की है ना, तो ये तो आधे में भी नहीं है, हा? तो इसको भी शामिल कर लिया परमेश्वर ने, समझ आ रही है? तो ऐसे ही आप नहीं चाहते हमारे बच्चे खुदावन के साथ चलें, क्योंकि आपको पता है, आप जिस एरिया में रहते हैं आपको पता है कि दुनिया में क्या हो रहा है, पता है कि नहीं पता? पता है ना आपको, पता है कि संसार में क्या हो रहा है और लोग क्या कर रहे हैं, लोगों के बच्चे किस तरीके से चल रहे हैं, आपको पता है? तो इसलिए ये जरूरी है, बोलो क्या है? इसलिए मैंने अनाउंस किया था 12 से पहले, फिर मैंने 10 कर दिया, और 10 से 15 20 21 22 23 24 तक जितने बच्चे अनमैरिड हैं वो आ सकते हैं, क्या सकते हैं? तो ये बड़ी फायदे की चीज है, ठीक है? हाँ, मेरे वालों सारे हम जैमसी थी, जैमसी थी। मैं तुहानू पुराने नेम दिया 39 किताबां सुनाऊंगी। उत्पत कूच लेविया दी पोथी गिनती वस्ता सारी होशुआ न्याया दी पोथी रूथ पहला शामुएल दूजा शाम पहला राजा दूजा राजा पहला इतिहास दूजा इतिहास अजरा निहमिया एस्तर अयूब जबूरा दी पोथी कहावता उपदेश शेषकीत यसाया यर्मिया यर्मिया दा विलाप हिस्केल दानियल होशिया योएल अमोस उब्याह युनाह मिकाह हबकूक सफन्याह हजई जकयाह मलाकी। वेरी गुड। एक ही पुस्तक छोड़ी है बस, नहुम की। 36 इसने राइट बोल दी। हाँ ठीक है, नए नियम की भी? नहीं पापा, ये तारीफ करो जोर से। यीशु मसीह के जन्म के बारे भी? यीशु मसीह का जन्म बैतलहम शहर यरूशलेम ते देश इजराइल। हाँ। माता का नाम मरियम, शरीर पिता का नाम यूसुफ, ते स्वर्ग के पिता नाम यहोवा परमेश्वर। तारीफ करो जोर से जोर से। तो ठीक है, अभी इतना टाइम नहीं है कि और बच्चों से सुन पाए हम, तो अभी ऐसी मीटिंग हम जल्द पर्सनल करेंगे, लाइव करेंगे, ताकि जितने लोगों जो लोग अभी सोच रहे हैं, अब सब बच्चों को एक साथ दिखाओ, सब आ जाओ, इनको थोड़ा सा वो वाले बच्चे जो अभी जिन्होंने बोला उनको यहाँ से ही ऐसे घुमा दो, यहीं से ही साथ से। तो ठीक है, आप नीचे आ जाओ। तो मन भी ध्यान में रखना, तो ये तू भी आगे आ जा, ये आगे आ जाओ, आगे आ जाओ बच्चे, आगे थोड़ा आगे आ जाओ। इस आज सुबह इसने बच्ची ने भी बड़ी मेहनत की है, जिनकी इस बात की ये सीनियर मैंने इसको ठहरा दिया है। क्या ठहरा दिया इसको? मैंने इसको सीनियर ठहरा दिया, सीनियर है, समझ आ रही है? तो अब इसके माता पिता आए आज इस बच्ची के जो नहीं आए, चलो कोई बात नहीं, आ चुके हैं। तो अभी ये सुबह से आई है, अभी सुबह भी बच्चों का टेस्ट लिया था सुबह आकर, क्योंकि कल जब मैं आया तो कुछ बच्चे आगे पीछे हो रहे थे, तो मैंने कुछ ये जो बच्चे आज बोले हैं ये तो परफेक्ट थे कल, पर जो बच्चे आगे पीछे थे मैंने जब प्राइस की बात की तो बच्चों के मन में क्या आ गया, हाँ कि आपको खुदावन कल प्राइस देगा, और कल ही परमेश्वर ने मेरी आत्मा में डाला कल ही इनके लिए कि हम अगर ये मेहनत कर रहे हैं और आने वाले दिनों में, अभी ये छोटा सा प्राइज है, खुदावंद इन्हें बड़े प्राइज से भी ब्लेस करेगा, बड़े बड़े प्राइज भी देगा इन्हें, हाँ ठीक है। तो अभी वो प्राइज हम जो बच्चे बोले पहले उनको, हाँ ठीक है। तो अभी जो नहीं बोले, अभी टाइम कम है, क्योंकि हम संगति ये कोई पर्सनल यूथ मीटिंग नहीं है ना, क्योंकि ये पर्सनल होती है, पर ये इसलिए ये इसका सेशन इस मीटिंग में रखा गया ताकि जो लोग यहाँ पे जितने माता पिता हैं जिनके बच्चे आते नहीं,
जहां वो इतनी केयर नहीं, उन्हें उनके मन में ये हल्की बात है, कोई बात नहीं, खास करके उन लोग उन माता पिता को दिखाने के लिए, ताकि वो सीख सके, इस बात को समझ सके। बोले क्या समझ सके? जब आपका बच्चा छोटा होता है वो मम्मा बोलता है, पप्पा बोलता है, जब वो बोलना शुरू करता तो आप कितना खुश होते, बोलो 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 पप्पा, हाँ कितना खुश होते ना कि हमारा बच्चा बोलना शुरू हो गया, खुशी होती कि नहीं? अरे ये उससे भी बड़ी खुशी, बोलो क्या, ये दुनिया की सबसे बड़ी खुशी कि आपके बच्चे किसकी राह में चल रहे हैं, किसकी सच्चाई में चल रही है, समझे? मैं जानता हूं, मैं ये जो समा चल रहा है बड़ा बिजी स्टूल है लोगों का, बहुत ज्यादा, आज के समय में लोगों के पास जरा सा भी वक्त नहीं। तो जब हम अपने कीमती समय से परमेश्वर को समा देते हैं ना, आपको पता नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने ये जो जीवन दिया है, आपको पता नहीं, आप बाइबल का आपको ज्ञान का पता नहीं है, अब शुरू से लेकर आप देखो कैसे मसीह तक और उसके बाद चेलों चेले भी कैसे कैसे वो मेहनत करते आए ताकि ये जीवन की सच्चाई लोगों को समझ आए, कितनी मेहनत की, बोलो क्या है इसमें, कितनी मेहनत है जिन लोगों ने परमेश्वर के राज्य को, सुसमाचार को फैलाया, और परमेश्वर ने भी कितना बड़ा धीरज रखा, समझे ना? ये उसी का फल है, बोलो क्या है, ये उसी का फल है, और आने वाले दिनों में ये फल बहुत बढ़ जाएगा। आमीन। तो ठीक है, अभी हम इन बच्चों को गिफ्ट देंगे इनकी खुशी के लिए, ठीक है? हाँ, तो तारीफ भाई करते जाना, दिखाओ दिखाओ नाल साथ में, ठीक है, ओके ओके, जल्दी 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 देते जाओ, नहीं बाद में एक ही साथ खींच लेना, नहीं तो टाइम बहुत लग जाएगा, हाँ देते जाओ जल्दी से, पहले बड़े वाले सब जिन्होंने, क्या कर रहे हो, आगे नीचे कर रहे हो, हाँ उसको भी बड़े वाला, प्रिया आगे आ जाओ, बच्चे आ जाओ, ओके हाँ ठीक है, इसको भी ठीक है दो इनको भी ठीक है, ताड़ियां तो आज आप हैरान हो रहे हो कि ये सब परमेश्वर की महिमा है, जब तक ये चल रहा ताड़ियां रुकनी नहीं चाहिए, तो कहीं क्या हुआ, कम पड़ गए, दो कम पड़ गए, तो क्या हो गया ये, मैंने तो गिनती से मैंने ज्यादा लाया है, तो क्या बच्चे, फिर बच्चे बढ़ गए पापा जी, अच्छा बच्चे बढ़ गए हैं, अब देखो गिफ्ट की गिफ्ट की बात आई, बच्चे बड़े, जितने बच्चे कल थे मैंने तो उससे काफी ज्यादा लेकर आया था, पर जैसे ही लगता बच्चों को पता चला है, हाँ तो ये बढ़ गए, कोई बात नहीं है, जाना नहीं है, आपको ये गिफ्ट देकर भेजेंगे, ठीक है, जिनको नहीं मिला उन्हें देकर भेजेंगे, ठीक है, नोट कर लो जो बच्चों को नहीं मिला, क्योंकि मैं जितने बच्चे थे मैं तो उससे ज्यादा लेकर आया था, पर जैसे लगता ये पता चला गिफ्ट की बात का तो बच्चे ज्यादा बढ़ गए, चलो कोई बात नहीं, कैसे भी करके खुदावंद का प्रेम तो बढ़ रहा है, सीख रहे हैं ना, परमेश्वर के नजदीक हो रहे हैं, तारीफ करो इस बात के लिए, जोर से, जितने ऑनलाइन इस मीटिंग को आज देख रहे हैं, खुदावंद उनके बच्चों के साथ भी, आप जहां पे भी मीटिंग कर रहे हो, आप अपने पास्टर जी से, सेविक सी से बोलो कि ये चीजें जो आज अपने ये देखा सुना सब कुछ किया, अपनी अपनी जितने लोग इस मीटिंग को अभी सुन रहे हैं, जब बाद में सुने, जितने भी हैं कहीं से भी, आप किस चर्च को भी आप अटेंड करते हो किसी को भी, तो अपने सेविक से बात करो, अपने पास्टर सीसी के ऐसा करो, क्योंकि ये बहुत जरूरी है, बोलो क्या है, ये आने वाली
न्यू जनरेशन के लिए, आने वाले बच्चों के, यूथ के लिए ये बहुत जरूरी है। और ऐसे टेस्ट हम आगे आगे अलग अलग, ये तो आज ऐसा, अभी आज तो किताबों का और यीशु मसीह के बारे हमने पूछा, आने वाले दिनों में इनका टेस्ट होगा बाइबल के अलग अलग वचनों से, ये शेयरिंग करेंगे, क्या करेंगे, फिर प्रेयर का सेमिनार होगा, अलग अलग हम ऐसे इनसे पाठ बनाकर सुनते रहेंगे। ये परमेश्वर आत्मा से देता रहेगा तो ये सीखते रहेंगे और प्रभु की महिमा करते रहेंगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो के परमेश्वर बच्चों आपको बहुत ज्यादा बढ़ा चुका है यीशु मसीह के नाम से। आमीन।